सो गाइज, अगर आपका एक स्मॉल यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पे ना ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, और आपको उस चैनल को ग्रो करना है, साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी लाना है, और ऑब्वियसली मोनेटाइजेशन भी करना है, अर्निंग भी करना है, आप बस वीडियोस अपलोड कर रहे हो, रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लॉन्ग वीडियोस, लेकिन आपका चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये दो तीन चीज़ें अप्लाई करते हो, आपका चैनल जो है ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ऑर्गेनिकली ग्रो हो सकता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपके चैनल पे जो है ट्रैफिक आ सकता है। और फाइनली मैं कुछ ऐसे एक बोनस टिप देने वाला हूँ वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमको अपना यूट्यूब चैनल किस तरह से ग्रो करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समी है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहेंगे, और शॉर्ट रिलेटेड या फिर लॉन्ग वीडियोस के रिलेटेड वीडियोस जो है और टिप्स और ट्रिक्स आपको इस चैनल पे जो है देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले, आपका एक छोटा सा चैनल है लेकिन उस पर जो है आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे और ना ही व्यूज आ रहे हो, ना ही ट्रैफिक आ रहा है, ना ही कहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन उस कंडीशन में आप डीमोटिवेट हो जाते हो और चैनल छोड़ देते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपको चैनल छोड़ना नहीं है बल्कि रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करना है, बस कुछ ट्रिक्स है उसको आप फॉलो करना है, ठीक है। सब लोग कहेंगे कि आपको टैग डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है या फिर थंबनेल बनाना है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपने सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आपका चैनल किस तरह से ग्रो करना है वो भी फास्ट और ऑर्गेनिकली वो बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका, आप अगर लॉन्ग वीडियोज़ बना रहे हो अपने चैनल पर, तो आपको जो है लॉन्ग वीडियोज़ के साथ साथ सेम टॉपिक के शॉर्ट्स भी डालने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको शॉर्ट्स अपलोड करना ही पड़ेगा, एक दो या तीन आपको शॉर्ट अपलोड करना ही पड़ेगा। रेगुलरली अगर आप लॉन्ग वीडियो जाओगे तो आपकी रीच जो है बहुत ही कम जाएगी और एक टाइम तक जो है आपको रीच नहीं मिलेगी, आप बस वीडियोस अपलोड करते रहोगे लेकिन उस पर जो है रीच बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जब भी आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो उसकी रीच जो है काफ़ी तेज़ी से होती है, और ये आपको पता है, मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि शॉर्ट जो वीडियोस रहते हैं वो हर जगह पे वायरल होते हैं, और शॉर्ट को जो है यूट्यूब खुद प्रमोट करता है और वायरल करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका किसी भी टॉपिक का चैनल है, मान लो आपका कुकिंग का चैनल है या फिर DIY का चैनल है या फिर आप एंटरटेनमेंट का चैनल बनाते हो, कोई भी नीच के वीडियोस बनाते हो, उसी नीच के आपको हफ्ते में दो या तीन शॉर्ट्स अपलोड करने ही पड़ेंगे। जो भी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो उसमें से एक पीस निकाल कर आप शॉर्ट में डाल सकते हो, तो आपके जो भी टॉपिक है उसके इंटरेस्टेड जो लोग रहते हैं वो आपको लॉन्ग वीडियोस में फॉलो करेंगे और शॉर्ट वीडियोस में भी फॉलो करेंगे। तो ये बात हो गई लॉन्ग वीडियोस में आपको शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करने हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है। अगर आपने इररिलेटेड टॉपिक के वीडियोस अपलोड किए, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियोस में कई भी रिएक्शन के वीडियोस अपलोड करता हूँ मेरे BFact चैनल पे, और वहाँ पर मैं कोई भी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे मेरे लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैंने प्ले बटन अनबॉक्सिंग का या फिर कोई अपना टिप्स या ट्रिक्स का सेम रिलेटेड वीडियोज़ अगर बनाता हूँ तो यहाँ पर हार्डली 2000, 3000 या 5000 व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रिलेट करते हैं। और अगर आपने कोई भी एंटरटेनमेंट का या फिर कोई भी रिस्पेक्ट वाले वीडियोस अपलोड कर दिए, रिस्पेक्ट वाले शॉर्ट अपलोड कर दिए चैनल पे, और उसी चैनल पे जो है आपने लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड कर दिए, कोई भी आप वहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हो लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी रीच नहीं मिलेंगी, इससे जो है एक नुकसान यह है कि आपके सब्सक्राइबर्स डाउन भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने हैं। अगर आपने कोई भी एक रिलेटेड वीडियो, कोई भी एक नीश का वीडियो बनाया है तो उसी नीश का एक टुकड़ा बनाकर आपको शॉर्ट में अपलोड कर दें रेगुलरली, ठीक है। हफ्ते में चार अगर शॉर्ट बनाते हो, अगर आप एक वीडियो बनाते हो तो उसके शॉर्ट्स चार बनाओ, और उन चारों शॉर्ट पर जो है आप डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स के बारे में उस वीडियोस में बता दो, और उससे जो है आपकी ट्रैफिक आपके लॉन्ग वीडियोस में भी आ जाएगी। एक बहुत ही आसान तरीका है आपके लॉन्ग वीडियोस पर जो है शॉर्ट वीडियोस की ट्रैफिक लाने का। उसके साथ अभी हम बात करते हैं बोनस की, ठीक है। उससे पहले, अगर आप चैनल पे पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए जो है आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जो है लाइक करना है, एंड तक देखना, ठीक है। बोनस पॉइंट यह है कि अगर आपके लॉन्ग वीडियोज़ पर कोई भी व्यूज़ नहीं आता है
तो आपको करना क्या, आपको रेगुलरली जो है उसके थंबनेल को चेंज करते रहना है, हर बार जो है थंबनेल को चेंज करना है। एक अगर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो हफ्ते में एक, उसके साथ साथ चार वीडियोस जो है शॉर्ट में अपलोड करते हो, तो उस एक वीडियो का थंबनेल जो है आपको चार या पाँच बनाने हैं और पहला बेस्ट वाला थंबनेल लगाना है। उसके बाद जो है उस थंबनेल को फिर से रीसेट करना है और 5 घंटा या 3 घंटे बाद जो है अगर व्यूज़ नहीं आते हैं, लोगों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको उस थंबनेल को भी जो है डिलीट कर दूसरा वाला थंबनेल लगाना है। मतलब अगर आपके चैनल पे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स है और 1000 व्यूज़ आ गए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फिर से जो है आपको फिर से एक बार थंबनेल चेंज करना है 5 घंटा 6 घंटे बाद या फिर एक दिन बाद जो है आपको थंबनेल चेंज कर देना है। और ये प्रोसेस जो है आने वाले 3 दिन तक आपको फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपके आपके टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में जो है ये कुछ ख़राबी हो सकती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। टैग्स यहाँ पर शॉर्ट्स के लिए मैटर नहीं करता, लॉन्ग वीडियोस के लिए टैग्स रिलेटेड रहना है। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपका जो टाइटल रहेगा उस टाइटल को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में लगाना है, उसके बाद टैग जो रहते हैं वो लास्ट में आपको पेस्ट कर देना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आने वाले वीडियोस में जो है आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।